हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं बैंगन फ्राई। इसे कुछ लैंग्वेज में बैंगन भाजा भी कहा जाता है, लेकिन राजस्थानी में इसे हम बैंगन फ्राई कहते हैं। जो बैंगन के लवर्स नहीं हैं, जिन्हें बैंगन खाना पसंद नहीं है, तो अगर ये बैंगन ट्राई करेंगे, फ्राई बैंगन, तो ऑब्वियसली उन्हें बैंगन फ्राई बैंगन बहुत पसंद आएगा। तो ये बहुत ही इजी और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। चलो आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बैंगन लिए हैं। यहाँ पे आप बड़ा बैंगन भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे छोटा बैंगन यूज़ कर रही हूँ। ऑयल, ये वाला स्पून, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून नमक एंड 2 स्पून हरा धनिया। चलो उससे पहले हमें क्या करना होगा, पहले मैं इनको राउंड शेप में काटूंगी। पहले मैं बैंगन को काटूंगी, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं बैंगन फ्राई। तो पहले ये बैंगन ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसे कट करूंगी साइड कर दीजिए। आपको बैंगन ऐसे कट करना है, ना ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए बैंगन कितना अच्छा है, ज्यादा सीड वाला भी नहीं है। फ्रेंड्स आप मानोगे नहीं, ये बहुत यम्मी बनता है। जब आपको कुछ जल्दी कुछ बनाना हो, कुछ समझ ना आए, तो आप फटाफट ये बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपको इतनी इतनी स्लाइसेस करनी है। ये ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, आपको ज्यादा पतला भी नहीं करना है, अदरवाइज आपके बैंगन फ्राई करते वक्त जल सकते हैं। ऐसे ही मैं अपने ये सारे बैंगन कट कर लूंगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो, ये मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। अब बैंगन लीजिए ऐसे, उसके बीच में पैरेलल लाइन में ऐसे चीरा लगा दीजिए कट, ताकि जब आप फ्राई करने लगो तो ऑयल जो है इसके अंदर से भी अंदर चला जाए, और आपके बैंगन आराम से इजीली फ्राई हो सकेंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। आप ऐसे करके अपने सारे होल बैंगन को चीरा लगा दीजिए। इसमें मैं ऑयल डालूंगी। थोड़ा इसमें ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बैंगन फ्राई करते हैं तो वो ऑयल है जो बैंगन जो है ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है फ्राई करते हुए, लेकिन जब पूरे बन जाते हैं फ्राई होने का, वो उसको दोबारा छोड़ देती है, बैंगन से ऑयल जो है वो निकल आता है बाहर। तो इसलिए मैंने इतना ही लिया, ये देखिए, ताकि मेरे बैंगन जो है ईजिली फ्राई हो सके। अब मैं इसमें, ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें अपना एक एक करके बैंगन डालूंगी, पर ध्यान से डालना फ्रेंड्स, अपने हाथों को बचा के। और आप जितना इसको सिम पे बनाएंगे, तो आपके जो बैंगन है वो बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। आप इसे पलट भी दीजिए, और इसलिए आप पलट सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे, जो मैंने ऑयल डाला था वो सारा बैंगन ने ले लिया है, बट फिर भी चिंता नहीं कीजिए, आप इसे करते रहिए फ्राई। मेरे ये बैंगन बन रहे हैं, तब तक हम वो जो मैंने मसाले रेडी किए हैं उसको मैं मिक्स अप कर लेती हूँ। आइए हम देखते हैं। जब तक वो मैं सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ।
ये देखिए ये मेरा मसाला मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया मिक्स करके सब कुछ। ये मैं ऐसे पलट रही हूँ, ये देखिए एक साइड से आराम से फ्राई हो गए हैं। अब इसे दूसरी साइड से हम पकने देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये बैंगन मेरे ये वाले फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए ये मैंने निकाल दिए। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने मसाला रेडी किया था उस मसाले को थोड़ा थोड़ा लेके इसके ऊपर छिड़क देना है। आप ज़्यादा अगर स्पाइसेस पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, मैं मुझे कम पसंद है तो इसलिए मैं कम डालूंगी। राजस्थान में उसको ऐसे ही बनाया जाता है और उसको हम पलट देंगे। ये एक साइड से हो गया है मसाला, इसमें मैंने डाल दिया, तो अब मैं दूसरी साइड से भी इसको करूंगी ऐसे ही। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे करने से ये मेरे सारे मसाले जो है इसके अंदर चले जाएंगे। इसे जैसे ही आप फ्राई करने के बाद ही तुरंत इस पे मसाले डाल दिए ताकि वो गरम गरम में अंदर सारे मसाले इसके जा सकेंगे। जब तक मैंने ये वाले फ्राई कर लिए मैं दूसरे बैंगन फ्राई कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी आप बैंगन फ्राई करने लगो जैसे ही वो फ्राई हो जाए उसके बाद इमीडिएटली आप वो अपना ये मसाला इस पे डाल दीजिए, क्योंकि गरम गरम में ही मसाला अगर आप डालोगे तभी वो बैंगन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ठंडे में आप डालोगे तो वो सारा जो है मसाला है वो जो ऊपर से ही हट जाएगा। ये देखिए ये मेरे सारे बैंगन रेडी हो गए हैं, तो मैं इसको वापस इसमें डाल दूंगी। जो ऑयल बच गया था उसी में इसको थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट के लिए बस फ्राई कर दूंगी, ताकि ये जो मसाले मैंने इसमें डाले थे वो आराम से चले जाए और मसाले मेरे कच्चे ना रहे। इसको आराम आराम से करना है, हिलाना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत बनने के बाद। ये देखिए ये मेरा रेडी हो गया, मैं इसे सर्व करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे बैंगन फ्राई रेडी हो गए हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, उनका कलर भी कितना अच्छा निकल के आया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।